गाइस मैं सोच रहा था ये टॉय लो या ये वाला टॉय लो, अभी सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ क्योंकि यूज करने के बाद धोएंगे नहीं हम 7-8 दिन, तो ऐसा ही हो जाएगा, ये वाला ले लेंगे। तो अभी हम निकल रहे हैं डिकैथलॉन, जाएंगे थोड़ा देखेंगे, अभी डिकैथलॉन में कभी गया नहीं हूँ, अभी जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है और लद्दाख राइड के लिए अपने के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है तो हम वो ले लेंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। चलो चलते हैं डिकैथलॉन जाते हैं, अभी बज रहे हैं 2:15 और आज है सैटरडे, और सैटरडे के दिन आज मैंने यार क्लास स्किप कर दिया क्योंकि आज मेरा कुछ काम था, तो काम की वजह से मैं जा नहीं पाया क्लास के लिए। तो अभी चलते हैं डिकैथलॉन और देखते हैं कि वहाँ का क्या क्या मिलता है अपने को। अपना बैग तो ले लिया है, यहाँ पे काफ़ी महंगा है तो रक्सैक काफ़ी महंगा था, तो एक शॉप और देख लिया हमने, वहाँ से लेंगे। अभी बस ऐसे घूम रहे हैं, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या है, चलो चलते हैं। काय दे तो वजन पड़ेल बाबा, रॉड है तो रॉड घूम दे, माहित नहीं कसं जाय। तो गाइस अभी काफ़ी कुछ ले चुके हैं, अभी हमारा बास्केट ऑलमोस्ट भर चुका है, अभी यहाँ पे रोमिता के लिए हुला हूप काफ़ी अच्छा था तो ये भी ले लिया है। और अभी आगे बढ़ेंगे, अभी कहाँ जाना है आपको, तो राइडिंग गियर शॉप जहाँ पे वहाँ पे जाएंगे अभी, चलो चलते। 1, 2, 3 गाइज मैं सोच रहा था ये टॉय लूँ या ये वाला टॉय लूँ, अभी सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ क्योंकि यूज़ करने के बाद धोएंगे नहीं हम 7-8 दिन, तो ऐसा ही हो जाएगा, ये वाला ले लेंगे। गाइज अभी यार 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से ऊपर हो गया हम यहाँ पे घूम रहे हैं, अभी बहुत सारा सामान ले चुके हैं, ट्राई भी कर चुके हैं, अभी काफ़ी थक गए, अभी पैर दर्द कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जाएंगे बिलिंग काउंटर पर, ये इसका बिलिंग करके आगे बढ़ना है, तो ये सब सामान अपने बाइक पे फिट होगा कि नहीं वो एक टेंशन है, तो चलो देखते हैं कैसा होता है। बाबा ना लागे सो
शॉपिंग हो चुकी है और काफ़ी कुछ ले लिया है। लद्दाख राइड के लिए भी कुछ लिया है, कुछ रेगुलर यूज़ की ले लिया है। और अभी चलते हैं यार, बाइक निकालते हैं। यहीं के नज़दीक में ही अपना राइडिंग का शॉप है जहाँ पे राइडिंग गियर्स और सब मिलता है, हेलमेट मिलता है, तो वहाँ पर भी जाएंगे। अभी सब टॉप बॉक्स में अपना सब सामान आ चुका है, बस अभी ये रिंग नहीं, बैटरी है वो बस हम हाथ में लेके जा रहे हैं। तो अभी चलो जल्दी आगे, अभी राइडिंग इक्विपमेंट्स लेना है। चलो तुम्हाला जेव्हा यूज नसेल असं ठेवायचं, तेव्हा तुम्ही पाणी पित असेल तेव्हा काय असं बाहेर काढू नये, चालू गाडीमध्ये निघते हा सर। आपण असं हाय स्पीड चालवलं गाडीमध्ये तो गाईज अभी हायड्रेशन बॅग लिहिली आहे यहाँ से, तो 2 लीटर का हायड्रेशन बॅग आहे। यहाँ पे अभी हम खाना खाने के लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ पे कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी क्या। ये है अपना हाइड्रेशन पैक जस्ट अभी लिया है, घर जाके हम इसको और इसको मतलब बताऊंगा आपको इसको डिटेल। फिलहाल तो अभी ये पहन लिया क्योंकि अभी गाड़ी में जगह नहीं है, तो चलो चलते अभी सीधा घर। और चाबी किधर है तो आप कमेंट में बताना ये कैसा लग रहा है। जैकेट के ऊपर अच्छा लगेगा बट अभी ये टी शर्ट के ऊपर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो जैकेट के ऊपर आ रहा है। तो गाइस अभी वन बाय वन आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे है, सारी मतलब इतनी सी चीज़ है क्या और क्या है ये हाइड्रेशन बैग। तो गाइस फर्स्ट जो चीज़ें जो रोमिता के लिए हमने ली है ये हुला हुप, तो ये इसको बाजू में रखते हैं। और दूसरा है ये बूमरैंग, तो इसको भी बाजू में रखते हैं। इसको हम कभी खुली हवा में उड़ाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसको पहले माइक में ज़रा लगा लेता हूँ। तो ये बैग काफ़ी भारी हो गया है, 2 लीटर का जो इसके अंदर कैरिंग वाटर कैरिंग केस आता है, तो ये कुछ इस तरीके से है। इसको हम डिटैच भी कर सकते हैं, तो ऐसा डिटैच हो गया। इसके अंदर मैंने पानी भर दिया है, अब ये पानी हमको 12 घंटों तक रखना है, उसके बाद हम पीने का पानी डाल के हम इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल तो इसको अभी साइड में रखते हैं। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ और ये जाएगा बैग के अंदर। पॉकेट्स है और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, और ये बैग थोड़ा बढ़ जाता है, ये बैग की वजह से थोड़ा सा और साइज इसका बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ बैग है और दोनों साइड में वाटर बॉटल रखने के लिए भी जगह है, ये साइड में भी है और ये साइड में भी है, और आगे की तरफ भी एक पॉकेट है। यहाँ पे आप और कुछ चीज़ें सामान रख सकते हैं, और ये मैं बाजू में रख देता हूँ यहाँ पे। तो अभी दूसरी चीज़ है ये है, फिर से एक मैंने बैग लिया है मेरे खुद के लिए। जो मेरा पुराना वाला बैग था वो थोड़ा सा अभी काफ़ी पुराना हो गया है, और उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रखने के लिए दिक्कत हो रही है, काफ़ी सारी चाबियाँ रखने के लिए वो पाउच मुझे थोड़ा कम होता था। तो बट ये अभी हमने ले लिया है, तो काफ़ी बड़ा पाउच है ये, तो इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। दूसरा है ये साइड में आप ऐसा लगा सकते हो, और तीसरा आप ऐसा कमर में बांध सकते हो। तो राइडिंग गियर जब पहनेंगे तब ये अच्छा दिखेगा,
तो आपको मैं राइडिंग गियर के साथ पूरा दिखा दूंगा। तो इसका प्राइस है गाइस 1999। तो ये अभी ये भी हमने डिकैथलॉन से लिया है। तो तीसरा प्रोडक्ट हमने लिया है ये शू कवर, जब रेन होती है या वाटर क्रॉसिंग आती है उसके उस वक्त हम ये कवर पहन सकते हैं अपने शूज़ के अंदर, जो बड़े वाले एंकल वाले शूज़ रहते हैं उसके अंदर पानी ना जाए ऊपर से। तो ये एक प्रोटेक्टर है, तो पानी ना जाए तो रेन से या वाटर क्रॉसिंग के थ्रू जो अपने जूतों में पानी जाता है उसके वजह से अपने जूते गीले हो जाते हैं, तो उससे हमको ये प्रोटेक्ट करेगा। तो होपफुली ये प्रोडक्ट हमको काम आएगा, तो ये भी हम बाजू में रखते हैं। तो गाइस इसकी प्राइस थी 1699 रुपये, बट ये कुछ डिस्काउंट में हमको शायद 1000 रुपये का ये हो गया है, तो ये भी हम साइड में रखते हैं। दूसरा हमने सॉक्स लिए मुझे लद्दाख में काम आने के लिए, मतलब काफ़ी सारे दिन हम घूमेंगे तो सॉक्स ज़्यादा लगेंगे, तो ये सॉक्स भी हमने ले लिया। तो 3 सॉक्स का ये कुछ पैक है, ये एक है और लेना है भाई। तो इसकी MRP है 4999, बट हमें डिस्काउंट ऑफर में 2499 में ये एक थर्मल वेयर मिल चुका है। ये बस टॉप के लिए है, बॉटम के लिए मेरे पास अपना राइडिंग जो पैंट है उसके साथ भी आए थे, तो वो अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ये एक अच्छा मतलब लाइट वेट है, इसकी वजह से शायद इसके प्राइस ज़्यादा है। और दूसरा है कि हम इसे टी शर्ट जैसे भी पहन सकते हैं, तो मल्टीपर्पज़ है इसके शायद इसकी वजह से, और मटेरियल भी इसका अच्छा होगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा महंगा ही है। तो ये 2500 का ये। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है अपने हैंड ग्लोव्स। तो ये हैंड ग्लोव्स थोड़े से मतलब पतले हैं, हम अपने राइडिंग मतलब अगर ज़्यादा सर्दी हुई ज़्यादा ठंडी हुई तो ये ग्लोव्स पहन के हम इसके ऊपर अपने राइडिंग ग्लोव्स पहन सकते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट ले लिया है मैंने। तो इस प्रोडक्ट का MRP है 999 रुपीज़। ये वाला ग्लोव्स ये हमें शायद यूज़ होगा सर्दियों में। और ये एक टोपी ली है मैंने, सर्दी में हमको बचाएगी। तो ये सबसे मतलब वहाँ की लार्जेस्ट साइज़ थी ये, अब ये पहन के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है, आपके कान कवर हो जाते हैं और सिर भी मतलब ठंडी हवा से आपको बचाएगा ये टोपी। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्राइस है MRP 999 रुपीज़, और 699 का ये कैप हो चुका है अपना। और लास्ट बचा है ये वाला प्रोडक्ट, ये है और एक थर्मल मैंने ले लिया है, सोचा कि एक थर्मल से अगर काम नहीं चला तो दूसरा एक थोड़ा मोटा कपड़ा है इसका, मतलब जाड़ा कपड़ा है इसका। तो गाइस इसका प्राइस था 1899 रुपीज़, और हमें डिस्काउंट करके मिल चुका है 1499 में। तो ये सब प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट्स कौन से लिए हैं अभी मैंने आपको बताया। मेन चीज़ हम रक्सा लेने गए थे, रक्सा के वहाँ पे काफ़ी महंगी थी, बस वो ट्रैकिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो मतलब 13000 रुपये रक्सा के लिए, तो उतना मुझे इन्वेस्ट नहीं करना था। तो एक और शॉप में हमने बात कर ली है, वहाँ से हम ले लेंगे, कुछ 3-4 हज़ार में आ रहा है, 95 लीटर का मिल रहा है, तो वो हम लेंगे। तो गाइस और एक चीज़ दिखाना रह गया था, ये हमने बॉटल ले ली है, गैलन बॉटल, तो इसमें 3.7 लीटर तक पानी आ जाता है, और मुझे यार बहुत ज़रूरत थी इस बॉटल की, क्योंकि मुझे एक एक ग्लास मतलब कम लगता है मुझे, तो ज़्यादा पानी चाहिए। तो गाइस इस बॉटल की प्राइस है 699 रुपीज़, और काफ़ी बढ़िया बॉटल है भाई, तो इससे भी मैं रोज़ाना पानी पीऊँगा और काफ़ी यूज़ में आने वाली है अपने को। तो गाइस गर्मी के लिए यार काफ़ी पानी पीना पड़ता है, तो गर्मियों में ये बॉटल काफ़ी यूज़फुल होने वाली है मुझे। तो आप भी यार गाइस पानी पीते रहो और जीते रहो। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो हिट ऑन द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ राइड, स्टे हैप्पी, बाय। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कह दो, क्योंकि अपना टारगेट यार 1000 सब्सक्राइबर का था, 500 भी कंप्लीट नहीं हुए अभी, 500 के काफ़ी नज़दीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।